वेलकम गाइस, इस छोटे से डिवाइस से आप टाइपिंग करना सीख सकते हैं अगर आपके पास लैपटॉप पीसी नहीं है तो। इसकी हेल्प से आप कनेक्ट कर पाएंगे इस कीबोर्ड को, जो कि ये यूएसबी कीबोर्ड है, और साथ में आपके पास कोई भी नॉर्मल फ़ोन होना चाहिए जिसमें ये कनेक्ट हो जाए। सी टाइप के लिए डिफरेंट कनेक्टर आता है, आप उसको ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया हुआ है। मैं इसको चेक करके आपको बताऊँगा कि इसमें किस तरह आप टाइपिंग कर सकते हैं। हमारे पास ये है एंड्रॉयड फ़ोन सैमसंग का। हमने इसमें क्रोम ब्राउज़र में ये टाइपिंग की वेबसाइट ओपन कर ली है। उसके बाद आपने जो कनेक्ट करना है, इसका कनेक्टर है यूएसबी कनेक्टर, ये आपने ये इसके अंदर कनेक्ट कर देना है। इस तरह इसको आपने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद आपने कीबोर्ड को कनेक्ट करना है। ये कीबोर्ड भी देखिए ध्यान से, ये कीबोर्ड भी कनेक्ट हो गया। उसके बाद जो भी इनपुट का डिवाइस है हमारा, वो डायरेक्ट ये कीबोर्ड हो जाएगा। ये देखिए, अब इसको मैं थोड़ी सी आपको टाइपिंग भी करके दिखा देता हूँ। टाइपिंग करने से पहले आपने जो इसका ओरिएंटेशन है उसको ऑटो कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे, इस पर ऑटो लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। देखिए अब ये ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा जैसे कि आप इसको इसकी ओरिएंटेशन चेंज करेंगे, और ब्राइटनेस को अडेप्टिव जैसे आपको ठीक लगे उतनी कर लेनी है। उसके बाद जैसे ही आप इसको इस तरह करेंगे तो आपका जो ये ब्राउज़र है ये ऑटोमेटिकली पूरा पैराग्राफ इस तरह दिखाने लग जाएगा। ये देखिए, तो इसका बेनिफिट ये कि आपको थोड़ा रीडेबल रहेगा, है ना। आप थोड़ा दूर भी जैसे कि होते कीबोर्ड है आपके पास, थोड़ा डिस्टेंस रहेगा तो थोड़ा आपको डिस्टेंस इसमें बनाने के लिए मिल जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ ताकि मुझे प्रॉपर दिखता रहे। तो यार हमने इसको प्रॉपर सेटअप कर लिया है ना, ताकि ये कैमरे में दिखता भी रहे और टाइपिंग के लिए आपको कीबोर्ड में थोड़ा बहुत दिखता रहे। कई लोग बोलते हैं कि नहीं यार आप वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो, तो आप ये देख सकते हैं ये चीज़ मूव हो रही है ना, तो ये एक रियल है। अब हम इस पर टाइपिंग करके देखते हैं और कितनी हमें स्पीड मिलती है और क्या हमें दिक्कत आती है, इसमें दिक्कत आती भी है कि नहीं आती, हम बहुत सारी चीज़ में देखेंगे। तो हम टाइपिंग करना शुरू कर देते हैं। अभी तक तो मुझे कोई इशू नहीं आ रहा, बहुत ही बढ़िया ये रिस्पॉन्स दे रहा है। और ये एक मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पे जो स्पीड है 60 वर्ड पर मिनट की हमने यहाँ पे अचीव करी है विद द एक्यूरेसी ऑफ 96%, जबकि मैंने थोड़ा नॉर्मल ही किया, कोई ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वगैरह लगा के नहीं किया, नॉर्मल स्पीड से किया। कई बार ये हिल भी जाता है ना, जैसे कनेक्टर आप यहाँ पे देख पाएंगे जो कनेक्टर लगा हुआ है ये थोड़ा सा लूज़ है क्योंकि काफ़ी पुराना है मेरे पास ये जो कनेक्टर, यहाँ पे देख पा रहे हैं। थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। ये वाला जो कनेक्टर है ना ये काफ़ी पुराना है, 2 साल से, इसलिए थोड़ा सा ना मैं आराम से कर रहा हूँ। जो आप नया लेंगे तो बिल्कुल आपको परफेक्ट कंडीशन मिलेगा, हिलता नहीं होगा ये। तो ये नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। अगर आपको ये कीबोर्ड भी चाहिए जिसकी लाइफ अगर आप नॉर्मल टाइप करते हैं तो 2-2.5 साल आपके निकाल देता है, उसके जो ये इंप्रेशन है मतलब जो इस पर लिखा हुआ है, जो इस पर प्रिंट है, वो एक प्रिंट नहीं है, एक स्टिकर है, मतलब कि इसकी लाइफ ज़्यादा है। जो प्रिंटेड होते हैं उनकी कई बार होता है इंक हट जाती है तो क्या लिखा वो दिखता नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, आप इससे किसी की मदद कर पाएं, या किसी ऐसे को आप ये वीडियो भेजें जिसको सच में इसकी ज़रूरत है छोटे से कनेक्टर की, और वो अपना टाइपिंग का जो करियर है शुरू कर सकता है अपने सीखने के लिए, उसका लैपटॉप ख़राब है तो आप इससे काम चला सकते हैं, जब लैपटॉप ठीक हो जाए तो उसको आप अपग्रेड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर सब्सक्राइब।